अब एक और बड़ी अच्छी बात कि वन एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, हम कहते हैं वन मोल में होते हैं 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ पार्टिकल। अब फर्ज करो किसी भी सब्सटेंस का 0.25 मोल हो, हमें चाहिए उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और इसी तरह 0.75 को भी एवोगाड्रो से, तो 0.25 वही बात 1/4 होता है, 6 को 4 से डिवाइड करो 1.5 आ जाएगा। ये देखो ना, ये बात तो बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी अहम बात है। बहुत बार देखो, अब ये सवालात कितनी दफ़ा आए इसी टॉपिक पे पेपर में। अब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.75 आता है, इसी तरह 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 आ जाएगा। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो पेपर में बहुत आते हैं। सवाल आया था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे थे। देखो कितने ऑक्सीजन है, 5, यहाँ कितने 4, और यहाँ कितना है 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, टोटल 10 ऑक्सीजन एटम है। बड़ा सिंपल सवाल था कि यार इसके अंदर नाम वाम कुछ नहीं दिया, ना कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहे हैं, टारगेट पे नज़र रखो। तो मेरे भाई 4 यहाँ हो गए, 1 5 और 5 और 5 10, टोटल 10। ये बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है, एक कंपाउंड है फेरोकिन जिसके अंदर क्या है 30% आयरन है, कितने परसेंट आयरन है 30%, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ये होता है कि जो भी एलिमेंट का मास है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आयरन का मास कितना होता है 56, परसेंटेज दी हुई है 30 × 100, आंसर निकालना। अब आप बोलोगे सर विदाउट कैलकुलेटर, थोड़ा दिमाग ही लगाओ यार, ऑप्शन ये दिए हैं। अब गौर से देखो कि यार 30 का डबल क्या होता है 60 होता है, अगर ऊपर 60 होता तो ज़ाहिर है कट के 2 आता, 200 होता, लेकिन 60 नहीं है बल्कि क्या है 56, तो आंसर 200 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। भाई अगर 60 होता तो एक्यूरेट 200 आता, 200 से थोड़ा सा छोटा, कौन सा ऑप्शन है 186, ये आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे प्यारे बच्चों देखो, 660 ग्राम ऑफ Bl3 वर सपोज टू बी प्रोड्यूस बट द एक्चुअल यील्ड वॉज ओनली 15 ग्राम ऑफ BCl3, वॉट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ BCl3। ये इस टाइप के सवाल करेंगे कैसे, फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब एक्चुअल यील्ड खाली 15 ग्राम दिया डेसिमल के बाद, भले जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, और थ्योरेटिकल यील्ड थी 662, बहुत ही कम हुई भाई, पूछ रहे हैं परसेंटेज कितनी होगी। देखो दिख ही रहा है 15 बहुत छोटा होता है 662, एक दो तरीका है कि आप 1500 से मल्टीप्लाई करके 662 से, यार बात सुनो 15 है और ये 662 है, ऑब्वियस सी बात है आंसर दिख रहा है बहुत छोटा, और ये वैल्यू 662 से ज़्यादा होती तो फिर 100% से ज़्यादा होती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। याद रहे कि परसेंटेज यील्ड 100 से कम ही होती है, और ये ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं 667, 647, 100 और 2.26, साफ दिख रहा है आंसर कौन सा होगा 2.26। पहला सवाल पेपर में आया हुआ, ड्रॉप ऑफ वाटर इज अबाउट 0.05 ग्राम, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर। मेरे बच्चों बड़ी अच्छी दिलचस्प बात है, 0.05 ग्राम दिया है, और देखो पूछ कह रहे हैं हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, बात मोल की नहीं हो रही, मॉलिक्यूल की हो रही है। देखो मोल निकालना होता तो बड़ा सिंपल था, गिवन वेट जो वाटर का 0.05, वाटर के मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड कर देते, लेकिन कहानी बैठो इस आ गया वॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। अब देखो ये पावर 23 है, 2 कम होगी 21, तो ये भी 0.05 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30 upon 18, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक बात तय है कि पावर 10 की पावर 21 आनी है, अब सारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 की और 21 दी हुई, क्योंकि बासों का तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं देते, अप्रोक्सीमेट देते हैं मेडिकल के टेस्ट में खास तौर पे, तो ज़ाहिर है आंसर यही हो जाएगा 10^21, क्योंकि एक तो -21 है, 360 और 2 × 10^-3 का सवाल ही पैदा नहीं होता जब इतनी बड़ी पावर है 10^21, जब पावर हर ऑप्शन में अलग हो तो सिर्फ पावर निकाला करो। चैप्टर नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 सवाल में भी इससे बहुत सवाल आते हैं, हम आज उनकी बात कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, लाइक 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा था, 0.75 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। ये दोनों वैल्यूज पे बहुत आते हैं सवाल, कभी इनके मोल 0.25 मोल यानी 0.75 मोल देकर के मॉलिक्यूलर वेट पूछते हैं, कभी एवोगाड्रो नंबर पूछते हैं, कभी वॉल्यूम पूछते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट तो बड़ा आसान है 44 है, अब 0.25 डेसिमल का फ्रैक्शन में बराबर होता है 1/4 के,
कुछ डेसिमल फ्रैक्शन बड़े कॉमन है जो याद होने चाहिए, उनमें से ये दो बड़े हैं। मैं 44 को 4 से डिवाइड किया 11 के रहा। इसी तरह 0.75 बराबर होता है 3/4 के। 44 को 4 से डिवाइड किया 11 थ्री ज़ा 33। आंसर आ गया मेरा। अब और क्या पता होना चाहिए? देखो 0.25 मोल्स का वॉल्यूम कितना होता है 5.6 dm क्यूब, और 0.75 मोल का होता है 16.8 dm क्यूब। एक्चुअली ये दो वैल्यूज चूँकि पेपर में बहुत आती हैं, असूलन तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए कुछ मखसूस वैल्यू के अलावा वॉल्यूम नहीं पूछी जाती, कुछ मखसूस मोल्स की पूछी जाती है। उनमें से भी सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? 0.25 मोल और 0.75 मोल, इसलिए इनका वॉल्यूम बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। बेटा ये याद कर लें क्योंकि यहाँ है डीएम क्यूब। हाँ देखो एक बात सुनो, ये पूछ रहे हैं एसटीपी, एसटीपी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से। अगर आरटीपी हो तो बहुत आसान है कैलकुलेशन, आरटीपी में मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। अब 0.25 को 1/4 लिखते हैं, ऑलरेडी बता चुका, कैंसिल करोगे आंसर सिर्फ का नाम आ जाएगा। 0.75 को हम 3/4 लिखते हैं, कैंसिल करोगे तो आंसर 18 के नाम आ जाएगा। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। अगर बात आरटीपी की आए तो बहुत आसान है 24 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन 22.4 से मल्टीप्लाई करना वो भी विदाउट कैलकुलेटर इज डिफरेंट डिफिकल्ट है। सो ये दो वैल्यूज़ के अक्सर सवालात बहुत आते हैं और इसीलिए मैं बार बार बताता भी रहता हूँ।